सुप्रिया जी यहाँ पर तो वो बखान कर रहे हैं कि देखिए हमारी कितनी अनुशासित पार्टी है और आपकी पार्टी में तो ईंट से ईंट बजने लगती है विभिन्न राज्यों में। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस के अंदर? क्या यही कांग्रेसी कल्चर है? मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, थोड़ा सा तरस भी आता है। 3.25 मिनट लगातार प्रवचन हुआ पर भाजपा प्रवक्ता का, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से पूछना चाहती हूँ जो आपने पूछा था, ये जो कठपुतलियों का खेल, ये जो रिमोट कंट्रोल से सरकारें दिल्ली से चल रही हैं मोदी जी और शाह जी की नाक के नीचे, क्या ये लोकतंत्र है? आपने 5वां मुख्यमंत्री बदल दिया है अपना, ये 4था मुख्यमंत्री है मोदी जी के गुजरात छोड़ने के बाद गुजरात का। तो मैं सिर्फ 2 सवाल पूछती हूँ। अगर मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं क्योंकि वो काम सही नहीं कर रहे हैं या उनके ऊपर करप्शन का आरोप है जैसा कि उत्तराखंड में था, कर्नाटक में था, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या ये माना जाएगा कि गुजरात में 10,000 नहीं 3.5 लाख लोगों की मौत हुई है? नहीं माना जाएगा। तो सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री क्यों बदला गया? अगर वो अकर्मण्य थे, खराब काम कर रहे थे, तो मानिए कि आपकी सरकार विफल हुई। दूसरी बात, 4.5 साल बाद आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा कठपुतली की तरह बदल देने से आप अपने पूरे कार्यकाल का कलंक, पूरे कार्यकाल का विफलता, पूरे कार्यकाल में जो आपने जनता के साथ धोखा किया है, कोरोना का कुप्रबंधन, बेरोजगारी, महंगे दाम, तमामों तरह की चीजें, वो जनता भूल जाएगी। जनता को इतना मूर्ख तो मत समझिए। उत्तराखंड हुआ या कर्नाटक हुआ या गुजरात हुआ या असम हुआ, हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली है उसमें चुने हुए विधायक विधायक मंडल का नेता चुनते हैं। यहां पर दिल्ली का रिमोट कंट्रोल से चुना जाता है नेता। मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं फिर से दोहराऊंगी, अगर ये विफलताओं की वजह से बदले गए हैं, अगर करप्शन चार्जेस से जैसे पहले भी हुआ बदले गए, तो इनकी तफ्तीश कौन करेगा? और सिर फुटव्वल की बात ये लोग करेंगे? योगी जी के खिलाफ 200 विधायक धरने पर सदन में बैठे हुए थे, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है नेताओं को भाजपा के, योगी जी के खिलाफ। योगी जी के खिलाफ चुने हुए विधायकों ने कहा अगर हमने बोल दिया तो हमारे ऊपर रासुका लग सकती है, हमारे ऊपर तमामों एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत कानून चलाया जा सकता है। ब्रजेश पाठक तो इन्हीं के कद्दावर नेता है, यहां पर चिट्ठियां लुक चुके हैं योगी जी के खिलाफ। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी का कितना प्रेम है सबको पता है। रूपानी जी और पाटिल जी का कितना प्रेम था सबको पता है। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच में कितना प्रेम है ये सबको पता है। राजस्थान में कितने खेमे हैं वसुंधरा जी और पुनिया जी और जो दूसरे हैं यहाँ पर शेखावत जी, उनके बीच के कितने खेमे ये खुद बता पाएंगे? तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। पत्थर तब डालिए, अपने घर की बात कोई नहीं कर रहा है।